नमस्ते, मैं पंकज जायसवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 ETKT रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 ETKT का जो रिजल्ट है वो ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। आपके प्रोफाइल में जो शो हो रहा है वो अंदाजित शो हो रहा है, यानी कि वो ऐसा है कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट है, लेकिन ये रिजल्ट नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने फिलहाल एग्जामिनेशन सेक्शन में बात की है और उनके द्वारा क्लियर टू कट कहने में आया है अभी तक कोई भी, यानी कि सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 का जो ETKT का रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। अभी रिजल्ट डिक्लेयर होने में कम से कम 1 वीक का टाइम तो लगेगा, यानी कि एक हफ्ता तो लगेगा, एक सप्ताह लगेंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जब तक आपका रिजल्ट पूरे फॉर्मेट में ओपन ना हो तब तक आपका रिजल्ट क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा। जब रिजल्ट ऑफिशियली वेबसाइट पर शो करेगा और वहां पर डिक्लेयर किया जाएगा, आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे और इवेंट में जब आप वहां पर अक्टूबर 2023 वहां पर डालोगे तो आपका वहां पर रिजल्ट बताएगा। जिस सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दी होगी उसमें NC की जगह EC आया तो पास होंगे आप, अगर NC की जगह वापस NC आता तो आपकी वापस ETKT आई होगी, तो उसे हम बोलेंगे ऑफिशियली रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। फिलहाल अभी कोई भी जो रिजल्ट है सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 ETKT का वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। 1 वीक का जो टाइम है, समय है, वो लगेगा। आप सभी स्टूडेंट्स वेट करें, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। नमस्कार।